नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में फरार घोषित होने पर 4 मार्च को जया प्रदा को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद आज जया प्रदा ने अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। क्या कुछ जया प्रदा ने कहा, पहले आप उनका बयान सुनिए। क्या रहा कोर्ट में जी? आज जो बयान का जो हम कार्रवाई किए हैं, तो हमने बयान दिया और मैंने अदालत को ये भी अवगत करवाई, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया और अनजाने में अगर कोई फ़ोटो वीडियो किया हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के कोई कभी गलत काम नहीं किए तो आगे भी नहीं करूँगी, यही मैंने बताई। और मैं कोर्ट को आदरणीय माननीय अदालत को मैंने धन्यवाद कहती हूँ और मैं उनके आदेश के अनुसार आज 6 तारीख को आने का था, उपस्थित होना था, मैं हो गई। और मैं मेरे जो काउंसल्स हैं, एडवोकेट्स हैं, मैं दोनों मेरे आज आपके सामने बात कर रही हूँ। ये सब जो है हमने अदालत में अपने बयान हो गया है, हो चुका है और मैं पूरे सम्मान के साथ कहती हूँ कि हमने कभी अवॉर्ड करने के लिए कोशिश नहीं की, हमने भागने की कोई कोशिश नहीं की। तबीयत के वजह से मैं बार बार कह रही हूँ, तबीयत के वजह से मैं आ नहीं पाई, आप भी थोड़ा ठीक लग रहा है इसलिए मैं पहुंच गई। तो आप कोर्ट ने आपको कितनी तारीख को बुलाया, अगली तारीख क्या? 22 तारीख बताया मैम। तो देखा आपने और सुना भी। बता दें कि सिने स्टार और पूर्व सांसद जया प्रदा आज रामपुर के MP MLA कोर्ट में पेश हुई, जहां उन्होंने 313 का बयान दर्ज कराया। जया प्रदा ने अपने बयान में साफ तौर पर बताया कि उन्होंने आचार संहिता उल्लंघन जैसा कोई काम नहीं किया, अगर कोई गलती हुई है तो वे इसके लिए क्षमा चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में जया प्रदा किसी भी तरह की गलती यहाँ पर नहीं करना चाहते और इसीलिए जया प्रदा आज रामपुर के MP MLA कोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज करा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जया प्रदा के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक और मामला दर्ज हुआ, उनके खिलाफ कमेरी थाना में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और इसी मामले में आज जया प्रदा ने अदालत के सामने अपना बयान दर्ज करा है। पूर्व सांसद जया प्रदा पर 2019 में आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले विचाराधीन हैं। जिले में स्वार थाने के गांव नूरपुर में जया प्रदा ने 19 अप्रैल 2019 को एक सड़क का उद्घाटन किया था, इसका वीडियो भी वायरल हुआ। इसके आधार पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम के मजिस्ट्रेट 34 स्वार डॉक्टर नीरज कुमार पराशरी ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई लगातार MP MLA कोर्ट में चल रही थी और आखिरकार आज जया प्रदा ने बयान दर्ज कराते हुए माफी भी मांग ली है। जया प्रदा को डर है कि कहीं उनका टिकट ना कट जाए और इसीलिए जया प्रदा आज अपना बयान दर्ज करती हुई नजर आई। देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में जया प्रदा को राहत मिलती हुई नजर आती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।